अस्सलाम वालेकुम, मैं बस उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो मैंने यहाँ पर हरे बैगन लिया है, इसे अच्छी तरह से काट कर पानी में थोड़ा सा नमक डाल के भिगोने रखा है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके बैगन जो है कड़वापन नहीं देंगे, कसालापन नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर कोरिएंडर लीव लिया है, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, ऑनियन, प्याज, टमाटर। मैंने जो है आलू को अच्छी तरह से काट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा तेल जो है अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें राई डालूंगी, ऑनियन, प्याज, इसे अच्छी तरह से हलाएं। आपको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस ऑनियन का जो है कच्चापन निकल जाए। करी पत्ता, इन सबको अच्छी तरह से मिला लें। देखिए मेरा प्याज अच्छी तरह से पक चुका है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है। तो अभी मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। टमाटर, लो टू मीडियम फ्लेम में ही इसे कुक करें। अभी मैं इस टाइम हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, रेड चिल्ली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से कस लें। मैगी मसाला हाफ टेबल स्पून। अभी मैं इस टाइम हरे बैगन डाल रही हूँ, जिसे मैंने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के भिगोने रखा था। आलू, इन सारे मसालों को अच्छी तरह से बैगन और आलू में कोट कर लें। चम्मच को इसी तरह से घुमाएं ताकि एक दूसरे के साथ सारे मसाले मिल जाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, बिकॉज ये बिल्कुल फ्री है। तो गार्निश के लिए थोड़ा सा कोरिएंडर लीव डाल रही हूँ मैं, धनिया पत्ती, हाफ ग्लास ऑफ वाटर, इन सबको अच्छी तरह से मिला लें। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। 10 to 15 मिनट्स इसे कुक होने दें।